इंडिया में बहुत सारी चीजें जो है जुगाड़ से चलती हैं. हमारे कुछ नेता तो वोट से कम जुगाड़ से ज्यादा मंत्री बनते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है पहले मंत्री बन जाते बाद में चुनाव लड़ते हैं, और कईयों का जुगाड़ तो इतना बड़ा होता है कि कुछ अच्छे भले मंत्री बन के बैठे होते हैं उनको गायब कर देते हैं. हमारा शो भी तो जुगाड़ से चल रहा है. हम लोग खूबसूरत लड़कियां अफोर्ड नहीं कर पाते, तो फिर अपने लड़कों को जुगाड़ लड़ा के लड़के बना के घुमा रहे हैं. कुछ लोग ट्रेन में ट्रेवल करते हैं ना, वहां पे भी जुगाड़ लड़ाते हैं. अच्छा भला मूछों वाला बच्चा होगा, टीटी के बोल देंगे 5 साल का है जी ये, तो इसकी काहे की टिकट. और बच्चे तो होते मन के सच्चे, वो पकड़वा देते हैं अभी परसों ही तो 8 साल का हुआ. और फिर जेब जाते हैं, फिर जेब मिटाने के लिए हंसते हैं. देख लो जी बच्चे कब बड़े रहते पता नहीं चलता. अभी स्टेशन पे चढ़े थे 5 साल का था, 3 स्टेशन में 8 का हो गया. तो टीटी भी आगे से छाना निकलता है. बच्चे और महंगाई का पता नहीं चलता जी. बस देख लो जब भी आप स्टेशन पे चढ़े थे तो 2000 फाइन था बिना टिकट का, अब 3 स्टेशन बाद 10000 हो गया. और तो और अगले स्टेशन पे जेल है, क्या चाहिए आपको. हमारे यहाँ के तो लोग इतने जुगाड़ू है ना, ट्रेन में जाएंगे ना तो वेस्टर्न टॉयलेट बनी रहती है, उस पर भी इंडियन स्टाइल में बैठ जाते हैं. पूरा बैलेंस बना के गिरते भी नहीं है. इनके बैलेंस का इम्तिहान तब होता है जब गाड़ी ब्रिज पे से निकलती है, फिर इनको टेंशन होती है हमने जो अपना खुद का ब्रिज बनाया हुआ ये ना टूट जाए. ट्रेन हावड़ा से निकल रही है, ये अपना हावड़ा संभाल रहे होते हैं. कई लोग तो इतने जुगाड़ू होते हैं ना, बच्चे की पैंट का बेल्ट खो जाए ना तो बाप अपने पजामे का नाड़ा निकाल के बांध देता है बच्चे को. हाँ. और खुद का पजामा ना अंडरवेयर में ठूस लेता है. ओ. और फिर पेट फुला के रहना पड़ता है ताकि वो अंडरवेयर छोड़ ना दे पजामा. प्रॉब्लम तब होती है जब इनको छींक आती है. फिर छींकते हैं सारा जुगाड़ दिख जाता है. ऐसे नहीं, मैं जुगाड़ की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज जुगाड़ पे एक फिल्म बनी है जिसका नाम है मेड इन चाइना. और आज इसी फिल्म की स्टार कास्ट जो है हमारे बीच आने वाली है. तो प्लीज वेलकम मिस्टर राजकुमार राव एंड मौनी रॉय. मजामा के ओढ़नी के ओढ़नी ओढ़नी ओढ़ू ओढ़ू पर उड़ी जाए 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 ओढ़नी उड़े उड़े रे अखियां मुड़े मुड़े रे ओढ़नी उड़े उड़े रे अखियां मुड़े मुड़े रे मेरे सीने में कुछ कुछ था के ओढ़नी. हर खुशी के मौके पे याद रखें राजकुमार राव एंड मौनी रॉय. राजकुमार मौनी आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू कपिल सर. मौनी आपका इंस्टाग्राम देखा, आपने लिखा हुआ आप फूडी हैं. जी मतलब आपके उधर सूंघने को भी फूडी बोलते हैं. नहीं मैं सच में बहुत खाती हूँ. क्या खाती हैं तो फिर सब कुछ चावल. मैं बंगाली हूँ, मुझे चावल खाना बहुत ज्यादा पसंद है. मुझे हर मील के बाद थोड़ा सा मीठा खाना बहुत पसंद है. तो इतना तीखा मुंह कैसे रहता है आपका. योगा से होगा. योगा से होगा. नहीं मेरे अपनी नान के फैमिली में सपोज मेरी मामी नानी सब मिला के 4 लेडीज हैं तो उनकी 8 ठुड्डियां हैं, मतलब डबल चिन सबके ही है. तो वो ये पूछ रही थी कि मौनी जब आए तो उनसे पूछना. तो योगा से होगा जी. कहने का मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करती हैं, मेहनत से ही होगा. मौनी खाने की बात चलिए, आपको पता प्याज बड़े महंगे हो गए. आप तो नहीं खाती होंगी मुझे पता, इतनी खूबसूरत लड़की प्याज खा के कभी नहीं आती. नहीं नहीं अब आप भी अभी खाकर नहीं आई हो तो, पर मुझे प्याज बहुत ज्यादा पसंद है. प्याज अच्छे लगते हैं. मुझे अर्चना जी ने बताया, कह रही थी आजकल ना खाने के साथ जो फ्री में प्याज मिलता है ना वो नहीं मिलते. मतलब मिलते हैं उसके लिए 15 मिनट बहस करनी पड़ती है और वेटर का हाथ मरोड़ना पड़ता है. तो यार और जब बिल देने की बारी आती ना इतने सारे प्याज खा के कैशियर के मुंह के पास जाके पूछती है कितने पैसे हुए भैया. वो कहता है कोई आप जाओ रहन दो. और कैशियर जब इधर मुंह करता है सौंफ भर के उठा लेती है. वो इतनी भारी मुट्ठी है ना इनकी, सौंफ वाली कटोरी होती ना उसको मरोड़ देती है पूरा. तो मैं खाली आपकी नॉलेज के लिए बता रहा था. देखो तो ये मजेदार बातें चलती रहेंगी. आइए मौनी, आइए राजकुमार, बहुत बहुत स्वागत है. प्लीज विराजमान हो जाइए. राजकुमार और मौनी से ढेर सारी बातें करेंगे लेकिन अब वक्त है फिल्म मेड इन चाइना से एक और जबरदस्त कलाकार को यहाँ बुलाने का. ये जो भी किरदार निभाते हैं यादगार बना देते हैं उसको. तो आप सबकी तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा वर्सेटाइल एक्टर, हम सबके फेवरेट मिस्टर बमन ईरानी साहब को.
Boman sir, love you sir. Kamera pichle janam ka punya ka bhavana. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आइए बबल सर यहाँ जितने भी मेहमान बैठे हुए हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपने लाइफ में कभी कोई जुगाड़ किया है तो आप शेयर कर सकते हैं अपने मजेदार किस्से जी मैडम हेलो सर हेलो केम चो बता मजा माचो मजा माचो ये बता एक बार ऐसा हुआ कि 10 दिन की ट्रिप के लिए मैं और मेरे हस्बैंड बाहर घूमने गए अच्छा तो कच्चे मैंने पूरे लिए थे 4-5 लेकिन ठंडी का सीजन था तो कच्चे सूखे नहीं थे अभी एक ही बच्चा था और उसमें मैंने देखा तो छेद निकला अभी मैं डर गई मैं क्या करूं क्योंकि अभी उनको मालूम पड़ा तो वो तो मुझे डांट के पूरी ट्रिप का सत्यानाश ही कर डालते तो डर क्यों गई वो कौन सा आपके अलावा किसी और ने देखना है लेकिन अंदर भी उनको वो नहीं चला अभी ओ मतलब उसके बाद मैंने ये जुगाड़ लगाया कि उनको पता ना चले इसके लिए मैं लाल कलर का जो धागा लेके गई थी हाँ जी उससे मैंने हार्ट शेप बना दिया जो छेद था वहां पे हार्ट शेप वे मैंने एक फिल्म की थी ना किस किस को प्यार करूं उसमें होता है मेरी बीवी कच्चे पे ना नाम स्टार बना देती है तो वो एक ही बिल्डिंग में 3 बीवियां रखता ना एक ऊपर फ्लोर पे एक नीचे तेरी फितरत ऊपर वाले फ्लैट से कच्चा उड़ के नीचे आ जाता है तो बोलता है मेरा क्या ऐसे कच्चे बड़ी दुनिया पहनती है बोलती लेकिन ये मैंने आर बनाया था पर ये कलाकारी कमाल की है मैडम वैसे ये क्रिएटिविटी ये लेडीज सोच सकती है थैंक यू और आज तक उनको मालूम भी नहीं पड़ा कि ऐसा हुआ था आपके हस्बैंड आए साथ में या जी नमस्कार सर कैसे हैं आप क्या बात है ये कड़ी चावल रंग का जो कुर्ता पहना आपने बड़ा मतलब खिले खिले से रंग है ना थैंक यू सर आपको उस चीज से क्या सीख मिली कि अपनी पैकिंग खुद करनी चाहिए हाँ करनी चाहिए लेकिन उस दिन पता नहीं कैसे बहुत ज्यादा रोमांटिक होगी वो चीज मुझे मिली कुछ डिफरेंट लगा अच्छा लगा आपको हाँ वाह चलिए बड़ा अच्छा लगा आप दोनों से मिलके धन्यवाद और कोई हमारे दोस्त जी मैडम हेलो कपिल हेलो हाय मैम हेलो एवरीवन हेलो मेरा नाम प्रिया है मैं थाने से आई हूँ जी प्रिया मैंने ऐसा जुगाड़ लगाया था कि हम लोग कॉलेज टाइम पे मैं और मेरी दो फ्रेंड्स हम लोग ऐसे ही घूमने निकले अच्छा तो लोकल में ट्रैवल कर रहे थे टिकट्स नहीं ली थी हमने अच्छा और अनफॉर्चुनेटली स्टेशन पे हम लोग को टीसी ने पकड़ लिया अपनी मेन ऑफिस में ले गए अच्छा। और वो बहुत खड़ूस था उसने बोला आपके पापा को फोन करो मम्मी को फोन करो तभी एक यंग टीसी ने एंट्री मारी हमने बोला हो गया जुगाड़ उसके पास गए और फ्लर्ट चालू कर दिया कि आप तो जेंटलमैन दिखते हो आप तो बहुत हैंडसम हो इस बार हम लोग को छोड़ दो नेक्स्ट टाइम से कभी कुछ नहीं करेंगे फिर फाइनली हाँ फ्री में छोड़ दिया फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.